लेकिन मेरे लिए खुशी है कि आप समय निकाल करके मेरे निवास स्थान पर आए और परिवार के एक सदस्य के रूप में आए हैं, तो आपकी सिद्धि का यश आपके साथ जुड़ करके जैसे हर हिंदुस्तानी गर्व करता है, मैं भी गर्व कर रहा हूं। आप सबका मेरे यहां बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, दो दिन बाद देश आजादी के 75 वर्ष पूरा करने वाला है। एक गर्व की बात है कि देश आप सभी की मेहनत से एक प्रेरणादायक उपलब्धि के साथ आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर रहा है। साथियों, बीते कुछ हफ्तों में देश ने खेल के मैदान में दो बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन के साथ साथ देश ने पहली बार चेस ओलंपियाड का आयोजन किया है। न सिर्फ सफल आयोजन किया है, बल्कि चेस में अपनी समृद्ध परंपरा को जारी रखते हुए श्रेष्ठ प्रदर्शन भी किया है। मैं चेस ओलंपियाड में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को और सभी मेडल विजेताओं को भी आज इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू होने से पहले मैंने आप सभी से कहा था, एक प्रकार से वादा किया था कि जब आप लौटेंगे तो हम सब मिलकर के विजयोत्सव मनाएंगे। मेरा एक कॉन्फिडेंस था कि आप विजयी होकर के आने वाले हैं, और मेरा एक मैनेजमेंट भी था कि मैं जरूर, कितने ही व्यस्तता होगी, आप लोगों के बीच समय निकालूंगा और विजय उत्सव मनाऊंगा। आज ये विजय के उत्सव का ही अवसर है। अभी जब आपसे मैं बात कर रहा था तो मैं वह आत्मविश्वास, वो हौसला देख रहा था, और वही आपकी पहचान है, वही आपकी पहचान से जुड़ चुका है। जिसने मेडल जीता वो भी, और जो आगे मेडल जीतने वाले हैं वे भी आज प्रशंसा के पात्र है। साथियों, वैसे मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। आप सभी तो वहां मुकाबला कर रहे थे, लेकिन हिंदुस्तान में, क्योंकि टाइम डिफरेंस रहता है, यहां करोड़ों भारतीय रत जगा कर रहे थे। देर रात तक आपके हर एक्शन, हर मूव पर देशवासियों की नजर थी। बहुत से लोग अलार्म लगाकर सोते थे कि आपके प्रदर्शन का अपडेट लेंगे। कितने ही लोग बार बार जाकर चेक करते थे कि स्कोर क्या हुआ है, कितने गोल, कितने पॉइंट हुए। खेलों के प्रति इस दिलचस्पी को बढ़ाने में, यह आकर्षण बढ़ाने में आप सबकी बहुत बड़ी भूमिका है, और इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। साथियों, इस बार का जो हमारा प्रदर्शन रहा है, उसका ईमानदार आकलन सिर्फ मेडल की संख्या से संभव नहीं है। हमारे कितने खिलाड़ी इस बार नेक टू नेक कम्पीट करते नजर आए, ये भी अपने आप में किसी मेडल से कम नहीं है। ठीक है कि 0.1 सेकंड, 0.1 सेंटीमीटर का फासला रह गया होगा, लेकिन उसे भी
हम कवर कर लेंगे, ये मेरा आपके प्रति पूरा विश्वास है। मैं इसलिए भी उत्साहित हूं कि जो खेल हमारी ताकत रहे हैं उनको तो हम मजबूत कर ही रहे हैं, हम नए खेलों में भी अपनी छाप छोड़ रहे हैं। हॉकी में जिस प्रकार हम अपनी लेगेसी को फिर हासिल कर रहे हैं, उसके लिए मैं दोनों टीमों के प्रयास, उनकी मेहनत, उनके मिजाज, उसकी बहुत बहुत सराहना करता हूं, भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। पिछली बार की तुलना में इस बार हमने 4 नए खेलों में जीत का नया रास्ता बनाया है। लॉन बाउल्स से लेकर एथलेटिक्स तक अभूतपूर्व प्रदर्शन रहा है। इस प्रदर्शन से देश में नए खेलों के प्रति युवाओं का रुझान बहुत बढ़ने वाला है। नए खेलों में हम इसी तरह अपना प्रदर्शन और सुधारते चलना है। मैं देख रहा हूं पुराने सारे चेहरे मेरे सामने हैं, शरद हो, किदांबी हो, सिंधु हो, सौरभ हो, मीराबाई हो, बजरंग हो, विनेश, साक्षी, आप सभी सीनियर एथलीट्स ने उम्मीद के मुताबिक लीड किया है, हरेक का हौसला बुलंद किया है। और वहीं हमारे युवा एथलीट ने तो कमाल ही कर दिया है। गेम्स की शुरुआत से पहले मेरी जिन युवा साथियों से बात हुई थी, उन्होंने अपना वादा पूरा निभाया है। जिन्होंने डेब्यू किया है उनमें से 31 साथियों ने मेडल जीते हैं। ये दिखाता है कि आज हमारे युवाओं का कॉन्फिडेंस कितना बढ़ रहा है। जब अनुभवी शरद डोमिनेट करते हैं और अविनाश, प्रियंका और संदीप पहली बार दुनिया के श्रेष्ठ एथलीट को टक्कर देते हैं, तो नए भारत की स्पिरिट दिखती है। स्पिरिट ये कि हम हर रेस में, हर कंपटीशन में अड़े हैं, तैयार खड़े हैं। एथलीट के पोडियम पर एक साथ दो दो स्थान पर तिरंगा की ओर सलामी देते भारतीय खिलाड़ियों को हमने कितनी बार देखा है। और साथियों, अपनी बेटियों के प्रदर्शन से तो पूरा देश गदगद है। अभी जब मैं पूजा से बात कर रहा था, मैंने उल्लेख भी किया, पूजा का वो भावुक वीडियो देख सोशल मीडिया के माध्यम से कहा भी था कि आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, आप देश के लिए विजेता हैं, बस अपनी ईमानदारी और परिश्रम में कभी कमी नहीं छोड़नी है। ओलंपिक्स के बाद विनेश से भी मैंने यही कहा था और मुझे खुशी है कि उन्होंने निराशा को पीछे छोड़ते हुए श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। बॉक्सिंग हो, जूडो हो, कुश्ती हो, जिस प्रकार बेटियों ने डोमिनेट किया वो अद्भुत है। नीतू ने तो प्रतिद्वंदियों को मैदान छोड़ने पर ही मजबूर कर दिया। हरमनप्रीत के नेतृत्व में पहली बार नहीं, क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। सभी खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है, लेकिन रेणुका की स्विंग का तोड़ किसी के पास अभी भी नहीं है। दिग्गजों के बीच टॉप विकेट टेकर रहना कोई कम उपलब्धि नहीं है। इनके चेहरे पर भले ही शिमला की शांति रहती हो, पहाड़ों की मासूम मुस्कान रहती हो, लेकिन उनका एग्रेशन बड़े बड़े बैटर्स के हौसले पस्त कर देता है। ये प्रदर्शन निश्चित रूप से दूर सुदूर के क्षेत्रों में भी बेटियों को प्रेरित करेगा, प्रोत्साहित करेगा। साथियों, आप सभी देश को सिर्फ एक मेडल नहीं,
सिर्फ सेलिब्रेट करने का, गर्व करने का अवसर ही देते, ऐसा नहीं है, बल्कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को आप और सशक्त करते हैं। आप खेल में ही नहीं, बाकी सेक्टर में भी देश के युवाओं को बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं। आप सभी देश को एक संकल्प, एक लक्ष्य के साथ जोड़ते हैं, जो हमारी आजादी की लड़ाई की भी बहुत बड़ी ताकत थी। महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, तात्या टोपे, लोकमान्य तिलक, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खां, रामप्रसाद बिस्मिल, अनगिनत सेनानी, अनगिनत क्रांतिवीर, जिनकी धारा अलग थी लेकिन लक्ष्य एक था। रानी लक्ष्मीबाई, जलकारीबाई, दुर्गा भाभी, रानी चेन्नम्मा, रानी गाइडिनलियो और वेलू नचियार जैसी अनगिनत वीरांगनाओं ने हर रूढ़ी को तोड़ते हुए आजादी की लड़ाई लड़ी। बिरसा मुंडा हो, अल्लूरी सीताराम राजू हो, गोविंद गुरु हो, जैसे अनेक महान आदिवासी सेनानियों ने सिर्फ और सिर्फ अपने हौसले, अपने जज्बे से इतनी ताकतवर सेना से टक्कर ली थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, बाबा साहब अम्बेडकर, आचार्य विनोबा भावे, नानाजी देशमुख, लाल बहादुर शास्त्री, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे अनेक विभूतियों ने आजाद भारत के सपनों को पूरा करने के लिए जीवन खपा दिया। आजादी की लड़ाई से लेकर आजाद भारत के नवनिर्माण में जिस तरह से पूरे भारत ने एकजुट होकर प्रयास किया, उसी भावना से आप भी मैदान में उतरते हैं। आप सभी का राज्य, जिला, गांव, भाषा भले कोई भी हो, लेकिन आप भारत के मान अभिमान के लिए, देश की प्रतिष्ठा के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। आपकी भी प्रेरणा शक्ति तिरंगा है, और तिरंगे की ताकत क्या होती है ये हमने कुछ समय पहले यूक्रेन में देखा है। तिरंगा युद्ध क्षेत्र से बाहर निकलने में भारतीयों का ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के लोगों के लिए भी सुरक्षा कवच बन गया था। साथियों, बीते समय में हमने दूसरे टूर्नामेंट में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में हमारा अब तक का सबसे सफलतम प्रदर्शन रहा। वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप में भी बहुत प्रशंसनीय प्रदर्शन रहा है। इसी प्रकार वर्ल्ड क्रेडिट रेसलिंग चैंपियनशिप और पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स, इसमें भी कई नए रिकॉर्ड बनाए गए। ये भारतीय खेल के लिए निश्चित रूप से उत्साह और उमंग का समय है। यहां अनेक कोच भी हैं, कोचिंग स्टाफ के मेंबर्स भी हैं और देश के खेल प्रशासन से जुड़े साथी भी हैं। इन सफलताओं में आपकी भूमिका भी बेहतरीन रही है। आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन ये भी तो मेरे हिसाब से शुरुआत है। हम संतोष मान करके चुप बैठने वाले नहीं है। भारत के खेलों का स्वर्णिम काल दस्तक दे रहा है। दोस्तों, मुझे खुशी है खेलो इंडिया के मंच से निकले अनेक खिलाड़ियों ने इस बार बेहतरीन प्रदर्शन किया है। टॉप्स का भी पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिल रहा है। नए टैलेंट की खोज और उनको पोडियम तक पहुंचाने के हमारे प्रयासों को हमें और तेज करना है। हमारे ऊपर एक ऐसे स्पोर्टिंग इकोसिस्टम के निर्माण की जिम्मेदारी है जो विश्व में श्रेष्ठ हो, इंक्लूसिव हो, डाइवर्स हो, डायनेमिक हो। कोई भी टैलेंट छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि
वो देश की संपदा है, देश की अमानत है। मैं सभी एथलीट से आग्रहपूर्वक कहूंगा कि आपके सामने अब एशियन गेम्स हैं, ओलंपिक्स हैं, आप जमकर तैयारी कीजिए। आजादी के 75 वर्ष पर मेरा आपसे एक और आग्रह है। पिछली बार मैंने आपसे देश के 75 स्कूलों, शिक्षण संस्थानों में जाकर बच्चों को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया था। मिर्च चैंपियन अभियान के तहत अनेक साथियों ने व्यस्तताओं के बीच ये काम भी किया है। इस अभियान को जारी रखें। जो साथी अभी नहीं जा पाए हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि आप जरूर जाएं। आपको देश का युवा अब रोल मॉडल के रूप में देखता है और इसलिए आपकी बातों को वो ध्यान से सुनता है, आपकी सलाह को अपने जीवन में उतारने के लिए वो उतावला है और इसलिए आपके पास ये जो सामर्थ्य पैदा हुआ है, जो स्वीकृति बनी है, जो सम्मान बढ़ा है, वो देश की युवा पीढ़ी के लिए भी काम आना चाहिए। मैं फिर एक बार आप सबकी इस विजय यात्रा को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। વડાપ્રધાન શ્રી દ્વારા આજે કોમનવેલ્થના વિજેતાઓ સાથે મુલાકાત કરવામાં આવી અને તેઓને સંબોધન પણ કર્યું અને સાથે તેઓની જીત બદલ તેઓને અભિનંદન પણ પાઠવ્યા અને તેઓનો મોરાલ પણ વધારવા માટે તેઓએ ખાસ કરીને વિજેતાઓ સાથે સુંદર વાતો પણ કરી અને આવનારા સમયમાં જે પણ ઇવેન્ટ્સ આવી રહી છે તે માટે વિજેતાઓને પણ ખાસ કરીને તૈયારી જોરશોરોથી કરવાનું તેઓએ અભિવાદન પણ કર્યું। વડાપ્રધાન શ્રી દ્વારા આજે કોમનવેલ્થ ગેમ્સના વિજેતાઓ સાથે મુલાકાત કરવામાં આવી અને તેમની સાથે તેઓએ તમામ વિજેતાઓને સંબોધન પણ કર્યું। તમામ જે વિજેતાઓ છે કોમનવેલ્થ ગેમના તેઓનો ઉત્સાહ વધારવા માટે તેઓએ સંબોધન કર્યું। તમામ વિજેતાઓમાં પણ ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો। तो हवे नजर करिए समाचार।